नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ने प्रखंड कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। बंसीधर नगर प्रखंड 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार चौबे के प्रखंड कार्यालय पहुंचने पर बीडीओ सरमन राम ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। 20 सूत्री अध्यक्ष ने प्रखंड कार्यालय के कर्मियों से परिचय किया। इसके बाद उन्होंने बीडीओ सरमन राम से प्रखंड में संचालित विकास योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए 20 सूत्री अध्यक्ष शैलेश कुमार चौबे ने बताया कि सरकार के द्वारा जनहित की कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा विकास की योजनाएं धरातल पर उतरे, इसके लिए हम सबों को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि प्रखंड में विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। मौके पर कांग्रेस के तस्लीम खान, हरिश्चंद्र चौबे, झामुआ के प्रखंड अध्यक्ष अमर राम, दिल्लू चौबे, इकबाल खान, दिनेश राम, ओम प्रकाश चौबे, चंदन पांडे, मधु मिंज, अशरफी अंसारी, आसिफ अंसारी, शांति देवी, दिनेश चंद्रवंशी, दिनेश राम, भरदुल कुमार, कमलेश कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। पदभार ग्रहण करने आए हैं आज और सरकार के द्वारा जो हमें जिम्मेवारी दी गई है, पार्टी के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर निश्चित रूप से खरा उतरे। और मैं चाहूंगा कि जो समाज का सबसे निचला व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, पिछड़ा व्यक्ति है, दलित व्यक्ति है, जो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उन सभी को धरातल पर उतार करके और उन सभी तमाम लोगों तक पहुंचाने का मेरा कोशिश रहेगा। और हम चाहेंगे कि लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, जितनी भी योजनाएं हैं। और हम विकास के मामले में, समस्या के समाधान के मामले में सोच रहे हैं कि पंचायत स्तर पर कम से कम एक कमिटी को बना करके, और जो पंचायत स्तर पर एक बुलाया जाए और उसका कैंप लगाया जाए पंचायत स्तर पर, कैंप लगा करके लोगों की समस्या के समाधान करने की कोशिश की जाए।